यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे ये द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा। जब कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं, तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का तो साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है, किस प्रकार मेरे मेघ कर्ण के चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला। महाराज, यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव बारह। एक ही पासे में खेल पलट दिया। एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा। कर्ण, भीम, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा। हमें भी स्वीकार है। है।
परंतु मुझे स्वीकार नहीं। सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है, यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस घृणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि ये परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज। ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं, उनकी सेना अपराजीय है आचार्य, योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज, अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी, अपने पानों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं।
और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी, ताची स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं, मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे, जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। लौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है, परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी, परंतु अब परखोगे महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज, आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। गुरुदेव, विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा, मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए या हमारी गुरु दक्षिणा, ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट, हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के
पश्चात ही होगा। तुम भी हमारे साथ चलोगे मित्रकण, मेरे साथ में। मैंने जीवन भर आपका साथ देने का प्रण लिया है कुमार, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। कुमार दुर्योधन, यदि एक सूत पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक राजकुमार से सहायता मांगे तो उचित है, परंतु एक राजकुमार युवराज बनने के लिए एक सूत पुत्र से सहायता ले वो उचित नहीं है। जो युवराज बनने के योग्य नहीं, मैं केवल एक बार मां महिम से कहता तो संपूर्ण पांचाल राज मेरे चरणों में होता, परंतु मैंने ऐसा किया नहीं। क्योंकि एक योद्धा अपनी शक्ति से अधिकार पाता है, दान में प्रसाद नहीं। जितने शिष्य अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान की है वो आने वाले कल के सम्राट की दाहिनी भुजा बनने वाले हैं। यदि इस भुजा को एक सूत पुत्र के बाहुबल की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे ग्लानि है कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम अपने मित्र के सहायता के लिए प्रस्तुत हो, यह तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु युवराज पद के इस परीक्षा में तुम सम्मिलित रहे ये तुम्हारा अधिकार नहीं था। ना तो तुम मेरे शिष्य हो और ना ही रंगभूमि के भांति इस बार मैंने किसी योद्धा को ललकारा है। और यदि तुम भारी योद्धा के सहायता के बिना पांचाल नरेश द्रुपद का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देरी आचार्य, आपने ठीक कहा आचार्य। हाँ आचार्य तुम ठीक कह रहे हैं, ये उनके शिष्यों की परीक्षा है, इसलिए मैं दुर्योधन अपने भाइयों के साथ में स्वयं अपने गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाने अवश्य जाऊंगा। यदि ऐसा करते हुए मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा पर एक उत्तरदायित्व का भार शेष रह जाए। मैंने कर्ण को अंगराज घोषित किया, इसीलिए मेरा निवेदन है कि पांचाल पर आक्रमण से पूर्व मित्र कर्ण का राजाभिषेक कर दिया जाए। पितामह, अंग देश पर आपने विजय प्राप्त की, उस पर आपका नियंत्रण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारे रायण से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें।